हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लिस वर्ल्ड। दिस इज़ अपर्णा और मैं लौट आई हूँ एक नए टैरो प्लस ओरैकल रीडिंग वीडियो के साथ। आज का वीडियो जो होने वाला है वो है करंट फीलिंग्स ऑफ योर लवर। आपके लवर की ज़िंदगी में अभी फ़िलहाल में क्या चल रहा है, उनका आपको लेकर क्या विचार है, बाकी करियर लाइफ में उनके क्या चल रहा है, बाकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, फैमिली लाइफ में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें देखेंगे हम। हम करंट उनकी लाइफ का सिचुएशन भी देखेंगे और साथ ही हम देखेंगे कि फीलिंग्स क्या हैं उनके आपके प्रति या फिर ज़िंदगी के प्रति जनरली। ठीक है, क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, दिमाग में, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, ये वीडियोस मैं वीकली मोस्टली बनाती रहती हूँ, तो अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। ओके, एंजल थेरेपी का बैच नंबर 13 मेरा 12th जून से शुरू हो रहा है। सो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, अगर एंजल्स के साथ कनेक्शन बनाना चाहते हो, लव के लिए, रीयूनियन के लिए कौन सी एंजल है, ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं सारी डिटेल्स आपको वहाँ पर दे दूँगी। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज रीडिंग। अगर लास्ट मेरा वीडियो आपने नहीं देखा है, 48 आवर्स, नेक्स्ट 48 आवर्स आपके लवर के लाइफ में क्या होगा, अगर वो आपने मिस आउट कर दिया है तो यहाँ पे आई बटन में आपको मिल जाएगा। जब वो आप वीडियो देखते हैं तब के बाद के 48 आवर्स ये होंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, आप ज़रूर देख सकते हो। ओके, विल स्टार्ट विथ योर रीडिंग। देखते हैं कि आपके लवर जो हैं, आपके पार्टनर जो हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनके फीलिंग्स क्या है, उनके फीलिंग्स क्या है आपके प्रति, क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में। कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर हो, अगर आप चैनल के सब्सक्राइबर हो, तो आपको ये वीडियो रेजोनेट होगा ही होगा, क्योंकि मैं सब्सक्राइबर्स के एनर्जी से ही करती हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर क्लिक कर दें। ओके, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, वी हैव मैजिशियन, और देखेंगे हम थ्रू टैरो और क्या आते हैं कार्ड्स आप लोगों के लिए। आपके लवर की ज़िंदगी में फ़िलहाल काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, ये कहीं ना कहीं दिखाई देता है। फोर ऑफ क्रिस्टल्स हैं हमारे पास। ओके, काफ़ी कुछ चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में। उनका प्रॉब्लम ये है कि कुछ ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे। चार चीज़ें चल रही हैं ज़िंदगी में और उसमें से एक के ऊपर भी इनका कंट्रोल नहीं है। ये किंग ऑफ क्रिस्टल्स एज वेल। एक भी चीज़ पे आपके पार्टनर का कंट्रोल नहीं है। ओके, उन सारी चीज़ों को लेकर जो भी चल रहा है ज़िंदगी में, लव लाइफ जो है मेस्ड पड़ी है, फैमिली में ठीक से किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं। वी हैव टू ऑफ शेल्स, वी हैव पेज ऑफ फेदर्स, किंग ऑफ एकॉन्स, एस ऑफ फेदर्स, ग्रेट। काफ़ी सारे कार्ड्स गिरे हैं। वी हैव 10 ऑफ क्रिस्टल्स, 6 ऑफ शेल्स, हर्मिट। पहले इन सारी चीज़ों से देख लेते हैं हम, ठीक है, बाद में आगे बढ़ेंगे। समवेयर गाइस, जैसे मैं कह रही थी आप लोगों के लवर के लाइफ में काफ़ी कुछ चल रहा हुआ दिखाई देता है, काफ़ी मिक्स्ड फीलिंग्स दिखाई देती हैं। इनके लाइफ में प्रॉब्लम ये है कि किसी एक तरफ से प्रॉब्लम नहीं है, सारी तरफ से प्रॉब्लम्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ भी इनका काफ़ी ध्यान मुझे दिखाई देता है। फाइनेंस के हिसाब से भी काफ़ी डिफ़िकल्टी लाइफ में चल रही है, कहीं ना कहीं दिखाई देता है इनके। फैमिली लाइफ में, फैमिली में कुछ ना कुछ रोना धोना चल रहा है। हो सकता है बहन भाई के साथ कुछ झगड़ा हो, माता पिता के साथ कोई उलझन हो, जो भी हो, पर समवेयर फैमिली से लेकर भी काफ़ी
फैमिली को लेकर भी काफ़ी परेशान है ये दिखाई देता है। ऑल्सो ये भी दिखाई देता है गाइस कि इनकी पर्सनल लाइफ जो है, हेल्थ लाइफ हो सकता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अभी ये कोविड वगैरह की वजह से ज़्यादा सावधान रहना पड़ता है सारी चीज़ों को लेकर, बट अदरवाइज एज वेल कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है कि दोस्तों के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही हो या फिर जो भी है। इनका प्रॉब्लम ये है कि चारों तरफ से इनकी जो है लाइफ लगी पड़ी है, ठीक है, प्रॉब्लम लगी पड़ी है सारी, और समझ में इनको नहीं आ रहा है कि क्या करूँ मैं। इन इन पास्ट इनका दिखाई देता है कि कुछ ना कुछ ऐसा कर्म गलत पड़ गया है, ओके, और उसकी वजह से दिक्कत इनकी लाइफ में आती हुई मुझे दिखाई देती है। कुछ हो सकता है कि इनके इस इंसान को ना, जब हम कार्ड्स देखते हैं तो समवेयर इनकी फैमिली की तरफ से एंसेस्ट्रल हीलिंग होना काफ़ी ज़रूरी है, ओके। जैसे कि इनके पिताजी की तरफ से कुछ गड़बड़ हो, कुछ कर्म गलत पड़ गए हों, या फिर नाना जी या फिर दादाजी की तरफ से, पर समवेयर दिखाई देता है कि इनके फैमिली मेम्बर्स का कर्म कुछ ख़राब है और फैमिली मेम्बर्स की वजह से इनको जो है दिक्कत फेस करनी पड़ रही है। अभी कर्मों का अगर हिसाब हम ना लें तो भी कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि इनका फैमिली की वजह से ये इंसान थोड़े दिक्कत में है। अभी फैमिली हो सकता है कि फैमिली का फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इस वजह से ये इंसान थोड़े से प्रॉब्लम में है। ये अगेन ऑल एवरीथिंग ऑन इंट्यूशन कह रही हूँ मैं आप लोगों को। फैमिली की तरफ से समवेयर हो सकता है कि फैमिली मेंबर कोई एक खटास है उनके दिल में किसी के इस आपके पार्टनर के प्रति, या फिर हो सकता है कि फाइनेंशियल ट्रबल है फैमिली को, या फिर फैमिली में ही कोई ऐसा है जो आप लोगों का रियूनियन नहीं चाहता, जो भी आप लोगों को रेजोनेट होता है वो। बट फैमिली की तरफ से काफ़ी दिक्कत इस इंसान को दिखाई देते हैं एंड फैमिली की तरफ से थोड़े कर्म ख़राब हैं ये दिखाई देता है, उसकी वजह से झेलना पड़ रहा है इस इंसान को। या तो इस इंसान के खुद के कर्म थोड़े से बिगड़ गए इन पास्ट, या फिर फैमिली में से हो सकता है कि किसी नाना जी दादाजी पिताजी माता जी इनकी तरफ से कोई कर्म ख़राब हो। तो ये क्या कर रहे हैं फ़िलहाल में, इनके करंट फीलिंग्स ये दिखाई देते हैं कि ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं सारी चीज़ों को। ये सोच रहे हैं कि कंट्रोल हो जाए, बस सारी चीज़ें बस सेटल हो जाए, सब कुछ बस कंट्रोल हो जाए, ठीक है। एक 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 सिक्योरिटी चाहते हैं इनको ना, रिलेशनशिप ही नहीं फाइनेंशियली भी ऐसा कुछ नहीं करना जो इनको हाई रिस्क लगता है, ओके। अभी फ़िलहाल में इनको क्या लगता है, आपसे देखिए आपसे प्यार दिखाई देता है, हमें बर्ड्स दिखाई देते हैं, लव दिखाई देता है, ओके। एक हार्मनी आप दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग दिखाई देती है और उस नाते के बारे में, उस रिश्ते के बारे में वो सोच रहे हैं, ठीक है। उस वो नाता जो है आप दोनों का, उसके बारे में वो सोच रहे हैं, वो जो रिश्ता, वो डिवाइन कनेक्शन, उसके बारे में अभी फ़िलहाल में करंट फीलिंग्स अगर हम चेक करें तो आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं, प्यार भी करते हैं, वो कनेक्शन भी है, वो समवेयर एक दिल में इनके चाह है कि आपसे बात करें, आपसे कनेक्शन बनाएं, आपके आपके लिए कुछ करें हट के, यू नो, ये समवेयर इनके दिमाग में मुझे दिखाई देता है कि वो प्यार है, वो अभी याद आना जो है ना इंटेंसिटी वो प्यार की वो शुरू हो गई है इनकी ज़िंदगी में। पर अभी इनका ये भी दिमाग में चल रहा है कि कुछ ऐसा नहीं करना जिससे जो हाई रिस्क है मेरे लिए, ठीक है। अभी अगर आप अभी ये क्या सोच रहे हैं ना, आपको आपसे रिलेटेड स्पेशली, कि अगर ये आपके पास वापस बात करने आएंगे, रिश्ते की बात करेंगे, तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे या फिर आप समझेंगे नहीं, आप माफ़ नहीं करेंगे। अभी इनको ऐसा लग रहा है ना कि गलतियाँ इतनी कर दी हैं या फिर रिश्ता इतना आगे मैंने ख़राब कर दिया है कि सामने अगर आके मैं बात करता हूँ, मैं माफ़ी मांगने की कोशिश करता हूँ, तो आप नहीं सुनोगे, आप उल्टा गुस्सा करोगे और रिश्ता जो बनने के चांसेस हैं वो भी बिगड़ जाएंगे। तो इनको ऐसा लगता है कि आपको शांत होना ज़रूरी है, आपको, ठीक है, इनको नहीं, आपको शांत होने की ज़रूरत है। फिर एक बार आप शांत हो गए तो ये इंसान आपसे कनेक्शन बनाएंगे, ये बात करने की कोशिश करेंगे, ये इनके दिमाग में चल रहा है अभी फ़िलहाल में। आगे क्या करेंगे विल सी, बट समवेयर ये भी इनके दिमाग में दिखाई देता है कि अभी ये कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। अभी अगर ये रिश्ता बनाना चाहते हैं तो फॉर एवर बनाना चाहते हैं, इनका ये नहीं है, ये ऐसे नहीं सोच रहे कि ये रुके क्यों है ना, ये कांटेक्ट बनाने से रुके क्यों हैं आपसे, क्योंकि इनका दिमाग में ये चल रहा है कि मुझे अभी कमिटमेंट ही देनी है, मुझे अभी 100% ही मेरा देना है, अभी मुझे ये कैजुअल रिश्ता वगैरह ये सब नहीं करना है, ठीक है, अभी मुझे शादी ही चाहिए, अभी मुझे या फिर मुझे 100% कमिटमेंट ही चाहिए, तुम सिर्फ मेरे बन के रहो और किसी के नहीं, मुझे नहीं चलेगा, मैंने गलतियाँ की है मैं जानता हूँ, पर अभी मैं हिम्मत करना
चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बन के रहो, ये कमिटमेंट मुझे अभी तुमसे भी चाहिए और मैं भी देने के लिए तैयार हूँ, ये दिमाग में इनके चल रहा है। पर इसी को लेकर कंफ्यूजन इनके दिमाग में ये है कि आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, आप समझोगे या नहीं समझोगे। आपकी रिलेशनशिप को लेकर अभी ये इंसान जो है स्टेबिलिटी चाहता है। अभी ये इंसान ज़िंदगी में सिर्फ रिलेशनशिप ही नहीं, आपके हिसाब से ही नहीं ये पूरी ज़िंदगी के हिसाब से अभी स्टेबिलिटी चाहता है। अभी ये चाहता है कि बस मुझे शांति चाहिए, मुझे अभी एक अटेनमेंट चाहिए, मुझे बस अभी एक पोजीशन ऐसी मेरी ज़िंदगी में मुझे बनानी है कि बस एक सिक्योरिटी हो। जैसे मैं कह रही थी ना आप लोगों को कि एक सिक्योरिटी हो, इनको रिस्क में काम नहीं करना, इनको स्टेबिलिटी चाहिए। तो अभी ये अप्रोच भी इंसान उसी वक्त करेगा जब ये 100% अंदर से श्योर हो जाएगा कि मैं ये जंग हारने नहीं वाला। इनको अभी क्या लग रहा है फ़िलहाल में कि जैसे मैं कह रही हूँ ना आप लोगों को कि अब ये बात करने आना चाहते हैं, ये कम्युनिकेशन बनाना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम ये सोच रहे हैं कि आप मना कर दोगे तो मैं कहाँ जाऊँगा। एक सहारा है मेरा, अगर वो छूट गया तो कहाँ जाऊँगा। उससे अच्छा ये इंसान ऐसा सोच रहा है कि मैं इस दिमाग के स्टेट में, इस मेंटल स्टेट में रहूं कि कभी ना कभी हम लोगों का रियूनियन होगा। अगर आपकी तरफ से ना आ जाता है, ये पता नहीं, ये इंसान बड़ा नेगेटिव सोच रहा है कि आप मना कर दोगे, आप ना कर दोगे, या फिर आपका गुस्सा झेलना पड़ेगा, आपके ताने झेलने पड़ेंगे। आपका इस इंसान को अपना सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो साइड में रखने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। ये समवेयर है इनको खुद का ईगो, देखिए प्यार है, प्यार हमें दिखाई देता है, ठीक है। वो सेंटिमेंट इनके दिमाग में दिखाई देता है कि मुझे चाहिए, मुझे प्यार वो चाहिए, वो कमिटमेंट देने के लिए ये तैयार दिखाई देते हैं। उनको वो सीख जो मिलनी थी वो मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ, ये सिक्योरिटी चाहते हैं आपके साथ, पर फिर भी इतना सब कुछ चाहने के बावजूद इनके दिमाग में है कि फिर भी अभी इतना गंदा रिलेशनशिप मैंने कर दिया, ठीक है, मेरी गलती की वजह से हो गया, फिर भी ये रिलेशनशिप का कंट्रोल मेरे हाथ में रहे, ठीक है। ये क्या सोचते हैं कि जैसे रिलेशनशिप था वैसे पहले जैसा ही बन जाए, जैसे मैं कंट्रोलिंग था, जैसे मेरा रवैया था, जैसे उनका रवैया था आपको लेकर, वैसा ही बने। और इनको ये डर है कि अभी ये सब हो जाने के बाद में आप उन्हें उसी स्टेट में एक्सेप्ट नहीं करोगे। गाइस, करना भी नहीं चाहिए, राइट। ये ईगो है इस इंसान का, ये दिखाई देता है, ठीक है। प्यार वगैरह सब कुछ ठीक है, बट आप सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में भी सोचो। ये इंसान जो है समवेयर ये सोच रहा है कि मुझे वापस सब कुछ थाली में सजा के मिल जाए, मैं मेहनत ना करूँ इस चीज़ को लेकर, ठीक है। थोड़े से ज़िद्दी है, थोड़ा सा ईगो बीच में आता है, ये दिखाई देता है। ओके, इनको डर है कि वापस से वैसा रिश्ता जैसा था वैसा नहीं बनेगा। अभी आप जो है अकेले रहना सीख गए हो, तो फिर अभी आप उनका जो ये रवैया है, ये जो उनका पहले से था कि एडजस्ट आप करो, या फिर ये सब कुछ, या फिर जैसे चल रही थी ज़िंदगी पहले वैसे ही चले, ज़्यादा डिफरेंस ना आए। पर ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि काफ़ी टाइम स्पेंड हो गया है, काफ़ी बीच में चीज़ें हो गई हैं, आपने काफ़ी कुछ सीखा है, इस इंसान ने काफ़ी गलतियाँ की हैं, उसकी वजह से आप पे काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ है, एज़ पर्सन आप ग्रो हुए हो, ठीक है। तो ये होना तो अभी पॉसिबल नहीं है, और इसी चीज़ की इस इंसान को थोड़ा सा भय है, थोड़ा सा डर लगता है इस इंसान को इसी चीज़ का कि जैसा रिलेशनशिप था वैसा बनना मुश्किल है। अभी अगर रिलेशनशिप शुरू होता है तो नए सिरे से शुरू होगा, ओके। और उसमें क्योंकि गलती इस इंसान की थी, या फिर प्रॉब्लम्स इस इंसान ने क्रिएट किए थे, इस इंसान ने सेपरेशन को बढ़ावा दिया था, तो जब नए सिरे से रिश्ता शुरू होगा तो रिलेशनशिप में आपकी चलेगी, इनकी नहीं चलेगी, ठीक है। और इससे इस इंसान को डर लगता है, न्यू बिगिनिंग से इस इंसान को डर लगता है। उसको, इस इंसान को वो कहानी वहीं से शुरू करनी है जहाँ से ख़त्म हुई थी, ठीक है। पर ऐसा होता नहीं है, ठीक है। इसकी वजह से इनको ये डर है कि देखो आप कहीं आप शुरू भी कर दो उस हिसाब से, ठीक है, वापस से रीस्टार्ट भी कर दो रिलेशनशिप को, यानी कि न्यू फ्रेश स्टार्ट ना दो, जहाँ से छूटा था वहीं से शुरू कर दो। भी आप कर भी दोगे, पर इस इंसान को डर है कि आप ताने मारोगे, आप बाप रे मेरे बर्ड्स देखो कितना ची 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 कर रहे हैं। जब मैं बात करती हूँ ना तो इनको भी बात करनी होती है, उनको लगता है मैं उनसे बात कर रही हूँ। एनीवेज, सो इट इज़ वेरी थेरोपेटिक गाइज, ये उनका जो वॉइस होता है ना, बर्ड्स वॉइस, इट इज़ वेरी थेरोपेटिक। हीलिंग्स की तरह, वो एंजल्स के साइन होते हैं, हीलिंग्स की तरह लिया करो,
ठीक है, इट इज़ हीलिंग यू, उनका उनके आवाज़ पे फोकस करो, इसीलिए मैंने कमरे में रखा है ताकि आपके ऊपर भी वो हीलिंग आती रहे। या सो क्या कह रही थी मैं, तो इस इंसान आप ना वो जहाँ से रिलेशनशिप छूटा था वहीं से आप पिकअप भी कर लो उस स्पेस को, पर ये इंसान डरता है कि आप ताने मारोगे, आप ईगो, आपका ईगो जगेगा, आपके हिसाब से चलना पड़ेगा, आप अपने रूल्स बनाओगे, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डर लगता है इस इंसान को ना। सॉरी कहना है इस इंसान को, माफ़ गलती एक्सेप्ट करनी है, पर झुकना नहीं है, ठीक है, ये ईगो है, झुकना नहीं है समवेयर, ठीक है। अभी इनको ऐसा लगता है ना गाइस कि अगर ये आएंगे आपसे बात करने के लिए, अगर ये रीस्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप को, तो इनको कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ हटके करना पड़ेगा, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ेगा आपका अटेंशन सीक करने के लिए। अभी ये क्या कर रहे हैं ना, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिससे आपका अटेंशन मिले इनको, ठीक है, और उस चक्कर में ये कुछ गलत भी कर देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल डीपी निकाल देना, या फिर स्टेटस कुछ ऐसे आड़े टेढ़े डाल देना, ओके, या फिर आपको बिना बात के ब्लॉक करना, अनब्लॉक करना, ये समवेयर ये अपनी अपना दिमाग खुल कर चला रहे हैं, ये दिखाई देता है, ठीक है। ऐसी एक्टिविटीज़ आपने नोटिस की होंगी, ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जो आपको सोचने पे मजबूर करती है कि ये इंसान क्या सोच रहा है, ये क्यों कर रहा है, ओके, ये इनका दिमाग उल्टा ही चलता है, आप समझ रहे हो ना, इनका दिमाग ऐसा चल रहा है कि बस मुझे अटेंशन मिले, बस ये सामने वाला व्यक्ति मेरे बारे में सोचे, बस इतना ही चाहिए इस इंसान को, और कुछ नहीं चाहिए इस इंसान को, बस इतना ही है कि आप इसके बारे में सोचो, ओके, चाहे फिर वो निगेटिवली सोचो, पॉजिटिवली सोचो, पर सोचो, ओके, तो ऐसा कुछ डाल देंगे, स्टेटस डाल देंगे, या फिर फेसबुक पे डाल देंगे कि फैमिली से रिलेटेड, या फिर दोस्तों से रिलेटेड, कि ऐसा कुछ डाल देंगे कि आपके लिए कुछ टॉन्ट हो, या फिर आपके लिए कुछ मैसेज जाए उसमें से, या फिर आप सोचने पे मजबूर हो जाओ कि भाई ये इंसान क्या सोच रहा है, ओके, तो ये कहीं ना कहीं ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं बस आपका अटेंशन सीकिंग के लिए, अटेंशन लेने के लिए, ठीक है। ऑल्सो समवेयर दिखाई देता है कि ये इंसान जो है ना, इस इंसान का प्रॉब्लम गाइस ये दिखाई देता है कि जो लेसन्स इसको मिल रहे हैं ना, अब ये इंसान आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, आपका सोलमेट हो सकता है, जो भी है, ठीक है। मैं मोस्टली ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट्स के लिए ही बनाती हूँ, तो ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट कार्मिक्स के लिए मैं नहीं बनाती। अगर आप चाहते हो कि मैं कार्मिक्स के हिसाब से बनाऊँ, एक वीडियो बनाऊँ मैं टॉक्सिक रिलेशनशिप के लिए, कार्मिक रिलेशनशिप के लिए, कि कार्मिक का फ्यूचर क्या होगा, या फिर क्या सीखना चाहिए आपको कार्मिक रिलेशनशिप से, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइए। कई लोगों के मैंने देखा है हस्बैंड्स कार्मिक होते हैं, वाइफ्स कार्मिक होते हैं, तो उनसे छुटकारा कैसे पाया जाए, इन द सेंस उस रिश्ते को बनाए रख के भी सेपरेशन, या फिर जो भी है, आप लोगों को पता है आप लोगों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, राइट। तो समवेयर अगर कार्मिक रिलेशनशिप है तो उसके साथ कैसे डील किया जाए, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ऐसा वीडियोस बनाऊं तो मुझे ज़रूर बताइए। साथ ही कार्मिक रिलेशनशिप्स के बारे में, सोलमेट रिलेशनशिप्स के बारे में, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स के बारे में, अफर्मेशंस के बारे में, और कुछ रेमेडीज़ में मेरे नए चैनल पर शेयर करती हूं, जो है आर्केन एंजल। आपको आई बटन में यहां पे उसका लिंक मिल जाएगा उस चैनल का, अभी जब मैं दिखा रही हूं, पॉइंट कर रही हूं, तो आपको आई बटन यहां पे आ जाएगा, ओके, तो वहाँ से आप लोग उस चैनल को क्लिक कर सकते हो, आपको वहाँ पे वो चैनल मिल जाएगा, ठीक है। ज़रूर उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना, मैं काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस वहाँ पे बनाती रहती हूँ, सो ज़रूर सब्सक्राइब करना। सो द पॉइंट इज़ कि ये इंसान ना ये चीज़ें सीखता नहीं है बहुत जल्दी, ठीक है, इसको यूनिवर्स सिखा रहे, इसको यूनिवर्स साइन दे रहे हैं, ठीक है। और ये इंसान कब सीखेगा, जब आप जो हैं आप अपनी ज़िंदगी में अपने ऊपर फोकस करोगे। अभी तक आपका ये फोकस है कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, वो सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, उसका ध्यान कहाँ पे है, वो रिटर्न आएगा या नहीं आएगा, ये आपकी सोच चल रही है अभी। आपने अभी अगर आप मेरा रीडिंग देख रहे हो तो समवेयर आपको पता होगा कि आपको अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, ओके, आप जब अपनी तरफ फोकस करोगे तो इस इंसान की सोच भी बदलेगी, क्योंकि बदलना ही पड़ेगा, ठीक है। जब आप डिवाइन, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट, आप जब यूनिवर्स में एनर्जी सेंड करते हो, यानी कि आप स्टेबिलिटी में आ जाते हो, तो ये इंसान की सोच भी स्टेबिलिटी में आएगी, ठीक है। और ये इंसान जो है आगे बढ़ेगा, एक्सप्लोर करेगा चीज़ें, यूनिवर्स से अलाइन होगा, समवेयर सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में समझेगा, एंड ये आगे उस तरह से बढ़ेगा, ठीक है। वो चेंज जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो चेंज इस इंसान के अंदर आप पाओगे, ठीक है। विल सी और क्या है, और कुछ अगर मैसेजेस हैं फ्रॉम ओरैकल तो वो भी देख लेते हैं।
लंबे वीडियोस नहीं बनाना चाहती मोस्टली मैं, अगर आप मुझे वो भी बताइए गाइज आपको लंबे वीडियो पसंद है या फिर शॉर्ट वंस। साथ ही मैंने चैनल के ऊपर मेरा एक पोल डाला हुआ है, ठीक है, जिसमें आप वोट कर सकते हो कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना है, तो वो भी ज़रूर वहाँ पे भी जाके ज़रूर वोट कीजिए। आप जितने वोट्स करोगे उतना मुझे समझ में आएगा कि आपको क्या देखना है और उस हिसाब से मैं वीडियोस बनाऊँगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा जिसको वोट मिलते हैं उसको उस टॉपिक पे मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगी, ठीक है, सो ज़रूर वो भी देखना। ठीक है, काफ़ी है, 3 कार्ड्स काफ़ी है अभी। यह इंसान जैसे मैंने आप लोगों को कहा ना, परेशान दिखाई देता है, गम में दिखाई देता है, ठीक है। इनका ये सोच है कि ये सब्ज़ी वाले भी अभी आने थे, ये सब्ज़ी वालों का टाइम है, उसी टाइम में शूटिंग करती हूँ तो वो चिल्लाते रहते हैं नीचे से, आई एम सो सॉरी। या सो या मैं कह रही थी आप लोगों को कि समवेयर इनका ये ऐसा लग रहा है ना, इनको दिमाग में ये लग रहा है कि वो लूज़ कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी को, उनको ऐसा लग रहा है कि हार रहा हूँ मैं, ठीक है। जो अपॉर्चुनिटी है यानी कि जैसे मैं आप लोगों को कह रही थी ना कि हाई रिस्क नहीं लेना चाहते, रिस्क नहीं लेना चाहते, और इनको ये लगता है कि अगर मेरे पास एक ही मौका है कि मैं आपको कन्विंस करूँ रिलेशनशिप में वापस आने के लिए, और अगर मैं मेरा वो मौका किसी भी तरह से आपको जल्दबाजी में करके मिस कर देता हूँ तो फिर वो अपॉर्चुनिटी मेरी गई हाथ से, फिर मैं फिर कभी नहीं रीयूनियन हो पाएगा, फिर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ये इनको लगता है। और वो अपॉर्चुनिटी वो खोना नहीं चाहते, इसलिए वो अपॉर्चुनिटी उठा ही नहीं रहे हैं, वो रिस्क लेना ही नहीं चाह रहे हैं, इसलिए वो रुके पड़े हैं, स्टैग्नेंट पड़ी है ज़िंदगी, इस वजह से ये दिखाई देता है। ओके, समवेयर गाइज ये भी दिखाई देता है कि इनकी ज़िंदगी में अभी ये प्यार चाहते हैं, निगेटिविटी सारी ख़त्म करना चाहते हैं और शांति चाहते हैं ज़िंदगी में, ये भी इनकी करंट सिचुएशन दिखाई देती है। भले ही बाकी मेरे पास कुछ ना हो, मेरे दिमाग को शांति हो, ये ज़रूरी है, क्योंकि ये जैसे मैंने कहा ना, काफ़ी चीज़ें इनकी ज़िंदगी में चल रही है, जैसे मैं आपको लोगों को बता रही थी इस कार्ड के साथ कि काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, फैमिली में प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल इशूज़ हैं, या फिर लव लाइफ में दिक्कत है, या फिर पर्सनल लाइफ में दिक्कत है, तो अभी ये सोच रहे हैं कि सारा कुछ ख़त्म हो जाए और बस मैं शांति मिले मुझे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, शांति चाहिए, तो ये फोकस इस इंसान का दिखाई देता है। और कहीं ना गाइज आप जैसा सोच रहे हो इस इंसान के बारे में वैसे ये नहीं रहे हैं, ये चेंज हो गए हैं। ओके, अगर आप, मैं दोनों हिसाब से बताती हूँ, आप अगर इस इंसान के बारे में बड़ा अच्छा सोच रहे थे कि ये अच्छे हैं, ये साफ दिल के हैं, ये प्रैक्टिकल हैं, ये स्पिरिचुअल है, तो इस इंसान में चेंज आ गया है, ये इमोशनल बन गया है अभी इंसान, ठीक है। ये इंसान जो है डरा डरा सा बन गया है, ये इंसान जो है थोड़ा सा इसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है उसकी धज्जियाँ उड़ी है। ओके, ये डरा हुआ है ये इंसान, ये बड़ा सहमा हुआ है इंसान, इसको थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है, इसको थोड़ा सा यू नो सिर पर से हाथ फेर के एक हक करके ये ज़रूरत है, इसको सपोर्ट की ज़रूरत है, ये दिखाई देता है। अगर इस इंसान के बारे में, दोनों जैसे मैंने कहा दोनों हिसाब से बताती हूँ, अगर इस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो तो कि ये बड़ा मतलबी इंसान है, सॉरी ये बड़ा मतलबी इंसान है, इसको कुछ नहीं, ये बड़ा बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट है, अपना ही सोचता है हमेशा, ओके, सेल्फिश है, अगर ये आपका नज़रिया था इनको देखने का, तो उसमें भी, या फिर ये ऐसे इंसान थे तो उसमें भी बदलाव आया हुआ दिखाई देता है। ये इंसान समवेयर अभी अपने बारे में सोचने के अलावा अभी दूसरों के बारे में भी सोच रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, समवेयर जेलसी, ईगो, इन चीज़ों पे काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ इस इंसान को मिल रही है, अभी बस उठाने की देर है, ठीक है। तो ये इंसान बेसिकली क्या है, वेट कर रहा है सही सिचुएशन की, कि आपसे कांटेक्ट कैसे करे, और फिर ईगो वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें भी हैं, ठीक है। सो ये था आप लोगों के लिए रीडिंग, अगर आपको रीडिंग पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। आज मैं स्पेशल हीलिंग वीडियो मैंने बनाया हुआ है आर्केन एंजल चैनल पे, तो अगर आपको आज का हीलिंग रिसीव करना है तो आई बटन में आपको चैनल मिल जाएगा, चैनल की लिंक, वहाँ से ज़रूर देखिए वो वीडियो, और आपको जब भी चाहे आप वो वीडियो देख सकते हो, मैं उस एक वीडियो को से रिलेटेड आप लोगों को सारी चीज़ें उसी वीडियो में समझा दूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडेज़ रीडिंग, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। Till then, bye-bye. Enjoy.